जितना टाइम प्रीशियस होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रीशियस आपकी हार्डवर्क मनी होती है। हमें इसको फिजूल खर्च कम और यूटिलाइज ज़्यादा करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की एक और एक्वाकल्चर कंपनी शेयर की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंपनी के नाम पर आने से पहले हम उसके बिजनेस को समझते हैं। ये एक लीडिंग एक्वाकल्चर कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है श्रिम्प की गुजरात में। वैसे श्रिम्प का मतलब झींगा से है। 127 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर लास्ट 100.95 पर क्लोज हुआ था। अपने 52 वीक हाई रेंज को टच करने के बाद से लगातार लोअर सर्किट में लगता दिखाई दिया। 2018 में कंपनी को 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 19 में ये बढ़कर 8 करोड़ का हो गया। 20 में प्रॉफिट 6 करोड़ का रहा तो 21 में 4 करोड़। देखो, कोविड के इम्पैक्ट से हर सेक्टर की कंपनी को सफ़र करना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ बैक ऑन ट्रैक दिखाई देता है। स्पोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं 80 पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसका RSI 26.41। हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड या कहें अंडरवैल्यूड है। इसको हम डेंजर जोन भी कहेंगे। फिलहाल गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। प्रीवियस ईयर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 7.61 करोड़ का अवेलेबल था, जो कि अब 6 करोड़ का देखने को मिला। शेयर का करंट मार्केट प्राइस 101, बुक वैल्यू 46.1, जबकि स्टॉक फिलहाल 2.19 टाइम्स ट्रेड करता दिखा अपनी बुक वैल्यू से, और ये कौनस के अंडर आता है। प्रोमोटर्स की एडुकेट होल्डिंग 68.42% होने के साथ प्रोमोटर शेयर प्लेजिंग 0 है। बोरोइंग्स जरूर 88 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ की हो गई। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ काफ़ी हद तक कंपनी की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी तो बरकरार है और सारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ कंपनी लो डेट पर दिखी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जरूर स्टेबल दिखाई नहीं देते। आप चाहे तो फिर इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इस सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा दिखाई नहीं देता। कल हमने एक्वाकल्चर सेक्टर की कंपनी वाटर बेस को भी कवर किया था। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।